हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोनिका और आप सभी का स्वागत है मोनिकाज़ किचन में। तो फ्रेंड्स, मैं आज बनाने जा रही हूं बहुत ही स्वादिष्ट टी मसाला, यानी चाय मसाला जो बनाएंगे हम बहुत ही स्वादिष्ट बनाएंगे। और ये गर्मी के लिए बनाएंगे, इसलिए हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि हम गर्म चीज़ का इसमें यूज़ कम करेंगे और ठंडी चीज़ों का यूज़ हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें और मेरी आने वाली सभी वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं चाय मसाला। तो चाय मसाला बनाने के लिए सबसे पहले आप मिक्सी का छोटे वाला जार लीजिए, इसमें 10 काली मिर्च और 8 लौंग ये डाल दें, 20 हरी इलायची यानी ग्रीन कार्डिमम्स, ये मैंने मुलाइठी ली है, मुलाइठी मैंने 3 टुकड़े लिए हैं क्योंकि मेरे पास थोड़ा छोटे साइज के टुकड़े थे, तो मैंने 3 टुकड़े लिए हैं, इनको मैंने क्रश कर लिया है। मुलाइठी जो है ठंडी भी होती है और इसके साथ ही गले के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है। इसे डाल दें, इसे थोड़ा तोड़ लें टुकड़ों में ताकि ये आसानी से हमारे जार में पीस सके। सौंफ मैंने ली है 1.5 स्पून यानी 1.5 चम्मच हम सौंफ लेंगे। ये ड्राई जिंजर पाउडर यानी सौंठ आपको चाहिए 1 बड़ा चम्मच। इसके साथ ही दालचीनी का टुकड़ा हम लेंगे 5 इंच। तो अब इन सबको पीस लेंगे हम। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको पीस लिया है, आप देख सकते हैं तिनके जो है ये बिल्कुल बारीक नहीं होंगे, इन्हें हमें छान कर निकालना होगा। और आप कभी भी चाय बनाएं तो इस बात का ध्यान रखिए कि मुलाइठी जो है इसमें भी मिठास होती है और साथ ही सौंफ जो है इसमें भी मिठास होती है। तो अपनी चाय में जो है शुगर आप डालते हैं उसे ध्यान से डालिए, इसमें से 1/4 टीस्पून आप डाल सकते हैं चाय बनाते समय। अगर 2 कप चाय आप बनाएंगे तो 1/4 टीस्पून आप डाल दीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे सारे जो है पाउडर अच्छे से छन गया है, सिर्फ ये जो तिनके बचे हैं ये मुलाइठी के तिनके बचे हैं, इसको भी आप चाय में डालकर उबाल सकते हैं, इससे भी अच्छा फ्लेवर आएगा चाय के अंदर। तो ये हमारा टी मसाला बिल्कुल रेडी है, ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा बना है, फ्लेवर भी बहुत अच्छा आया चाय के अंदर। मैंने इसको ट्राई किया है, अभी अभी मैंने चाय बनाई, इससे बहुत ही टेस्टी चाय बनी है हमारी। आप इस टी मसाले को जरूर ट्राई कीजिए और अपने अनुभव मेरे साथ नीचे कमेंट बॉक्स पर शेयर कीजिए। तो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।